दोस्तों, ईमानदारी से कहें तो पैसे की टेंशन सबको होती है। चाहे आप महीने में 10,000 रुपए कमा रहे हों या 1,00,000 रुपए, अक्सर ऐसा लगता है कि यह सफिशिएंट नहीं है। हम सब कभी ना कभी इस स्थिति से गुजरे हैं। महीने के आखिरी हफ्ते में सोच रहे होते हैं कि पैसा कहाँ गया। लेकिन आज हम इस पर सीधे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझना। बहुत सारे लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद भी उन्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का आइडिया ही नहीं होता। फाइनेंशियल कंडीशन का सीधा सा मतलब है इनकम और खर्चों के बीच का अंतर कितना है, और यह अंतर जितना ज्यादा होगा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ही बेहतर होगी। सबसे पहले आप अपने इनकम सोर्सेज और उससे जनरेट होने वाली इनकम को नोट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके सभी इनकम सोर्सेज को मिला के आपकी मंथली इनकम बनती है 50,000 रुपए की। अब बात करते हैं खर्चों की। यह वह जगह है जहां चीजें आमतौर पर मुश्किल हो जाती हैं। हर दिन छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं और सोचते हैं कि चलो ये तो छोटी चीज है, हमारे कितने ही पैसे खर्च हो जाएंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें मिलके बड़ा खर्चा कब बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। सबसे पहले आपको अपने मासिक व्यय को 3 भागों में बांटकर बारी बारी से नोट करना है। सबसे पहला खर्चे का प्रकार है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये वो खर्च हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जैसे कि आपका किराया, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल फीस वगैरह। ये जरूरी खर्च हैं जो हर महीने होकर ही रहेंगे। खर्चों का दूसरा टाइप है वेरिएबल एक्सपेंसेस, जैसे कि घर का राशन, सब्जियां, डेली ट्रांसपोर्ट, डेली नेसेसिटीज। ये खर्चे हर महीने थोड़े बहुत बदलते रहते हैं, लेकिन ये जरूरी है। खर्चों का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे हैं जो आप जरूरत से ज्यादा करते हैं। यह मूवी टिकट, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना पीना हो सकता है। ऐसी चीजें जो जीवन को मजेदार बनाती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा जरूरी भी नहीं है। सच कहूं तो ये डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस हम सबकी कमजोरी है। मुझे याद है जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली थी, हर महीने मैं सोचता था कि थोड़ा अपने लिए कुछ खर्च करूं, लेकिन यह थोड़ा थोड़ा करते कब सारा पैसा मेरा डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस पर ही खर्च हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। अब आपके सामने आपकी इनकम और खर्चों का एक चार्ट बन गया होगा। अब चार्ट को देखें और जानने की कोशिश करें कि आपका खर्चा किस कैटेगरी में ज्यादा हो रहा है। क्या डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस में कुछ ऐसा है जिसे आप कम कर सकते हैं? शायद आप हर हफ्ते बाहर खाना खाते हैं, उसको एक बार कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं, जिसे आप कम कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे बदलाव लाकर आप बहुत सारा पैसा फालतू खर्च होने से बचा सकते हैं, और जो आप बचाएंगे वह आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा,